देखो बेटा, हिंदी की जो हमारी बुक है उसमें ये चैप्टर्स हैं। तो मैंने सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ा दिया था बहादुर, बहादुर चैप्टर हमने पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे एक चैप्टर था दोहे, दोहे भी हमने पढ़ रखा है। पेपर में इस चैप्टर में से पूछा जाएगा, तो वही हमें मेन मेन चैप्टर जो है वो हमें पढ़ने थे। एक चैप्टर है कौन सा, आवाहन। ये आवाहन चैप्टर भी पेपर में पूछा जाएगा। एक ही चैप्टर है भारत की बहादुर बेटियाँ, रट के जाना है इसे अच्छे से। एक आ गई वही आज़ादी, आज़ादी मतलब फ्रीडम, तो ये वाला भी पूछ जाता है। एक इसके अंदर कविता आती है इसे जगाओ, कौन सी आती है इसे जगाओ। और एक कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, किसका दुख, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी पढ़ाऊँगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है बूढ़ी पृथ्वी, आज धरती माता हमसे थक चुकी हैं। हमने अपनी माँ धरती को, अपनी माँ धरती के जीवन को कैसे कर दिया, बड़ा ही संकट में ला दिया है। धरती को पसंद क्या है, पेड़ पौधे, और हमने पेड़ पौधों को काट दिया। आज पेड़ पौधे जीवित थोड़ी हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हमने काट के फेंक दिए। यही हमारी धरती का सबसे बड़ा दुख है। आपने एक पूर्व पाठ में प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़ा, यह सच है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर देता है। इस महीने जब हम पार्क जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हम खेलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। यही सुंदर वातावरण, प्रकृति का उद्देश्य जो सुंदरता है, आज वो दृश्य कम होते जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। बेरहमी मतलब ज़बरदस्ती से, जान बूझ के उनका उपयोग करता जा रहा है। ब्यूटीफुल, सुंदर, नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी। क्यों, क्या पेड़ों को काटे जाने पर उनके रोने की आवाज़ आपने सुनी है? चौंक गए ना, लेकिन उनके भी जो दर्द होता होगा वो बोल ना पाते सही, लेकिन उनके अंदर भी जान है। इस मारे हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। एक में एक कवियत्री अपनी कविता से आपको समझाती है, आइए इसे पढ़ते हैं। तो इस समय क्या बात सीखने को मिली, एक निबंध भी तो आ सकता है। क्या हमें अपने पेड़ काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए। पेड़ों का उपयोग हम बहुत बेरहमी से कर रहे हैं, हम जितने काटते हैं हमें उससे ज़्यादा लगाने चाहिए। तो यही बात आया, क्या कभी तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। पेड़ भी सो रहे होते हैं और पेड़ों के सोते सोते रात को सपना आता है, अरे मुझे तो काट रहा है कोई। कल भी मैं टॉल ट्रीज एक चैप्टर पढ़ा रहा था, उसमें पेड़ों की बात आ रही थी, कितने लंबे लंबे पेड़। वो सब पेड़ क्या कर रहे थे, देख रहे थे जाते हुए बादलों को। रात के समय वो सोच रहे थे कि अब चिड़ियाँ आएंगी, उनके लिए जगह चाहिए। अरे पेड़ों पे, पेड़ों तो चिड़ियाओं का घर है, यदि हम सारे पेड़ काट देंगे तो चिड़िया कहाँ जाके रहेगी। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़ते हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ। कुल्हाड़ियों का वार सह रहे हैं वो पेड़, उनकी टहनियाँ हिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो कह रही हैं बचाओ बचाओ बचाओ। पेड़ अपने हजारों हाथों से कह रहा है मत काटो मत काटो, मेरे को मत काटो मेरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर घिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, कितना बुरा लगता है जब कोई पेड़ टूट के गिर जाता है धरती के ऊपर। सुना है कभी रात के सन्नाटों के अंधेरे से मुँह ढाप, किस कदर रोती हैं नदियाँ। आज नदियाँ कैसे रोती हैं, नदियाँ अपने आंसुओं को, अपने आंसुओं को बता नहीं पाती, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पानी है, अब रोती हुई भी दिखाई नहीं देगी। क्या घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी भी, उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। तुम जहाँ मर्जी वहाँ पर अपने आवारा पशुओं को उसमें नहाते हो, उसमें अपने कपड़े धोने लगते हो, गंदगी फेंकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि उस पानी से कोई अपनी प्यास बुझा रहा होगा। क्या तुम्हें ये पता नहीं कि उस देवता को अर्घ दे रहा होगा, कोई देवताओं की पूजा कर रहा होगा उस पानी से। आज हिंड नदी के किनारे जब कोई मर जाता है तो उसके बाद तर्पण करते हैं, तो हिंडन से पानी को जब हाथ में डालते हैं ना, तो उस पानी के हाथ में डालती बदबू हो जाती है, वहाँ खड़े होकर अर्घ नहीं दे सकते, तो इतना गंदा पानी है हिंडन नदी का। कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से छूट कर जब छिटकाता दूर तक कोई पत्थर। जब पहाड़ों पर बम फूटते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, तो वो पहाड़ फूट फूट के रोते हैं, क्यों, वो पहाड़ टूट जाता है, कितना रोई उसकी सुनाई देती है। तो वो यही कह रहा है कि पहाड़ भी टूट टूट के कहाँ तक जाता है। अब ये सब काम इंसान ने तो किया है,
अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान जब बदला लेगा तो इसने ज्यादा बदला किया, इसने खराब काम किया, इसने कम खराब काम किया, भगवान तो सबसे बदला लेगा। ठीक है, धरती पलट जाएगी, धरती क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तब क्या धरती इसे नहीं पलटेगी, सब पलट जाएगी। सुनाई पड़ती है कभी कभी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूट कर बिलकते पत्थरों की चीख, पत्थरों में मारते रहना पत्थर टूटते रहते हैं, पत्थरों की चीख निकलती है, हाय ये क्या मेरे साथ कर रहे हैं। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, खून की उल्टियां मतलब वायु इतनी प्रदूषित है कि सांस लेना दूभर है। अभी अभी मैं सुबह आ रहा था तो एक जो नकली रिक्शा वाले होते हैं, रिक्शा वाले जो रिक्शा मतलब स्कूटर है ना, स्कूटर बना के लगा देते हैं, उसमें तेल डाल रहा, इतनी बदबू उठा रखी उसने। मैंने आखिर हार के कह दी, मैंने भैया इसमें मूवी नाइल भी डाल लेता, फिर उसे ऐसे ही चलाया जा रहा। तो भाई साहब ठीक है, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाता है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। मैं बता रहा हूँ ये बात कि कह रहा है कि समय ऐसा आ जाएगा कि तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर जो चमक दिखाई दे रही है वो सब खत्म हो जाएगी। यदि तुम आज न संभले तो तुम्हारा कल भी नहीं संभल पाएगा। अर्थ ये है कि अपने को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए आपको अभी सही कदम उठाने हैं। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे उस आदमी के आदमी होने पर संदेह है। तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान, तुम्हारे इंसान होने पर ही कवित्री को शर्म आती है क्योंकि तुम्हें बूढ़ी पृथ्वी का दुख दिखाई नहीं देता। तुम्हारे शब्द जादू बनने चाहिए, निर्मला पुतुल कहती हैं कि तुम्हारे शब्दों में ऐसा जादू होना चाहिए कि सामने वाले पर क्या पड़े, प्रभाव पड़ जाए। ये जो लिखा हुआ है एक बार इसे आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तो इसका अर्थ आपकी समझ आ जाएगा। जो अर्थ मैंने बताया उसे पढ़ के उससे भी आप अपने को लिख के आ सकते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, वैसे तो इस पाठ में यही है, आप ये पढ़ लेना। तो यहाँ पे ये दे रखा है योग्यता विस्तार में, यही समझाना चाहता था कि उसने जो अपनी कहानी लिखी, कविता लिखी, उस कविता को तुम्हें भी लगा के लिखना है। ठीक है ना, पर्यावरण का अर्थ बताइए क्या है पर्यावरण। ये पाठांत प्रश्न होते हैं जो उसके आंसर में देना चाहिए। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का स्थान जिसके अंदर हम रहते हैं, जिसके अंदर हम अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन चलाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक अच्छे पर्यावरण की जरूरत होती है। जहाँ पर खून की उल्टियाँ करती हुई हवा ना हो, जहाँ पर रोती बिलकती नदियाँ ना हो, जहाँ जिसका दिल टूटता हुआ पत्थर ना हो, और जहाँ पर पेड़ों की चिक्कार ना हो, ऐसा स्थान जहाँ पर हम अच्छे से रह सकें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हेलो, आ जा बेटा जी। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग होने से होने वाली हानियों के बारे में बताइए। इतना उपयोग किए जा रहे हैं कि जो चीज़ सालों चलनी थी वो चीज़ें क्या हो रही हैं, उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी जल्दी होता जा रहा है। भाई अपने आप से लिख देंगे जो बोल रहा हूँ। पानी के प्रदूषण के मुख्य कारण बताओ। आवारा पशुओं को उसके अंदर मिलाया जाता है, नदियों के पानी के अंदर कपड़े धोए जाते हैं, नदियों के पानी को रोक कर उसको बर्बाद किया जाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो हमारी धरती माँ है आज वो कैसी है, आज वो रुष्ट है और उनकी ज़िंदगी नहीं चल पाती है। और इसी को बचाने के लिए हमें कदम उठाने हैं, हमें मानवता को बचाने के लिए एकजुट होना है। यही सब जो मैं लाइन बोला ना, यही लिख के लानी है तो ही नंबर मिलेंगे। फिर वो बोला, दिल दहलना, हृदय विदायक और छिटपटाना का उचित प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य लिखिए। क्या तुम दो वाक्य लिख सकते हो? दिल दहलना, पेड़ों पर जब कटता है, जब पेड़ों को कोई काटता है तो दिल दहल उठता है, दिल दहल उठता है। जब हम खून की उल्टियाँ करती हुई उस हवा को देखते हैं, उस हवा को महसूस करते हैं, तो हमारे दिल के अंदर ये बात आती है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों किया जा रहा है। हमारा दिल उस बात से छिटपटाता है, छिटपटाना, समझ गए। तो ये चैप्टर जो था ये लिखना है। और बेटा ये आएगा, यहाँ से वो पूछ रहा है। संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं। कुल्हाड़ियों के वार सहते पेड़, किसके वार सह रहे हैं, कुल्हाड़ियों के वार सहते पेड़, इसके विषय में लिखना है। बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ, और पेड़
फिर कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, ये क्या तुम कर रहे हो? मौन समाधि के लिए बैठे पहाड़ का सीना, पहाड़ भी चुपचाप बैठ के बैठा है, क्योंकि पहाड़ों में बम लगा के पहाड़ों को विस्फोट करते हैं और वो पहाड़ का पत्थर टूट टूट के दूर तक जाता है। हवा घर के पिछवाड़े खून की उल्टियाँ करती है, अर्थ की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि मानव का जीवन जीना मुश्किल हो गया। एक दिन ऐसा आएगा, ना पानी होएगा अच्छा, ना हवा होएगी अच्छी, बस इंसान के पास क्या होएगा? खूब सारे पैसे, और उस पैसे का वो क्या करेगा? वो कुछ ना कर पानेगा, क्योंकि उस समय पैसे की बात चलेगी नहीं। ठीक, तो ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर को अच्छे से करो।